आप देख रहे हैं न्यूज नाउ लाइव। इस समय हम मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लॉक अंतर्गत बड़े गांव ग्राम सभा में मौजूद हैं और यहां का सामुदायिक शौचालय जिसका निर्माण वर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया है बहुत भव्य रूप से बना है, बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा भी है। ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? बड़े गांव के। ये जो शौचालय बना है जी, क्या इस तरह का शौचालय कहीं और है? जी देखे हैं, क्योंकि यहाँ का बना है वर्गीकरण इसका बहुत लंबा एरिया में जी, बना है। इस शौचालय के बगल में क्या बना है? शौचालय ही नहीं, ऑफिस है। ऑफिस है? किस चीज़ का ऑफिस है? बैठना उठना। अच्छा ये बताइए, इस गांव में आप मतलब निवासी हैं, गांव में वर्तमान प्रधान जो हैं ब्रज बिहारी यादव लगातार तीसरी बार प्रधान बने हुए हैं। गांव में जो विकास कार्य हुआ है, नाली, खड़ंजा, चक्रोड, शौचालय और आवास आदि में, उनसे जनता यहाँ की खुश है या ना खुश है? खुश है सर। क्या आपको कुछ कहना है उनके विकास कार्यों को लेकर? कहना का है मतलब जी, हमान के ठीक बना तो मान लो सबके ठीक ही बना, मतलब गांव के लोग और उनकी बुराई या अच्छाई को लेकर क्या कहते हैं? नहीं ठीक। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? रमाकांत यादव। ये बताइए, गांव के जो प्रधान जी हैं वर्तमान, गांव में जो विकास कार्य कराए हैं जी जी, गांव की जनता उस पर क्या कहती है? बहुत बढ़िया है गांव का विकास। हाँ हाँ, इस बार भी बनेंगे। इस बार भी बनेंगे जी जी। क्या फिर चुनाव लड़ेंगे प्रधान जी? हाँ हाँ, आज सीट आएगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे, सीट आएगी तो लड़ेंगे और फिर प्रधान बनेंगे जी जी। बताइए, गांव में जो कुछ लोग कहते हैं जैसे कि जैसे आवास में धांधली किए हैं, शौचालय में, ऐसा तो हमको सुनने में नहीं आता दिए हैं इस तरह की? नहीं नहीं, ऐसा कोई शिकायत, ऐसा कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं है। मतलब ये जो आरोप लगते हैं? नहीं नहीं, कोई आरोप लगाता भी नहीं है, कोई लगाता भी नहीं है जी। नहीं, आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? बड़ा गांव से। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। गांव में अपात्र लोगों को शौचालय और आवास दिया गया है? नहीं नहीं दिया गया है, मतलब जो भी दिया गया है पात्र लोगों को, पात्र लोगों को दिया गया है। आइए देखते हैं शौचालय की खासियत क्या है। एक के लिए यहाँ पे दो शौचालय बनाया गया है और स्नानागार भी इसमें है। इसके साथ ही पीछे के दरवाजे से अपोजिट साइड में, जबकि अगले देखा जाए सर, वहाँ पे महिला पुरुष ज्वाइंट कर दिए हैं लोग, लेकिन यहाँ पे सबसे बढ़िया व्यवस्था ये चीज़ देखने को मिला कि महिला का अलग दरवाजा है, पुरुष का अलग दरवाजा है, वो भी अपोजिट दिशाओं में। देखिए इधर तो एक महिला शौचालय है और ये बगल में इधर आप है जो शौचालय की देखभाल करेगा उसको रहने। प्रथम ऐसा गांव है जहां पे यह चीज़ देखने को मिला कि जहां पे शौचालय की देखभाल करने के लिए एक कार्यालय का भी निर्माण कराया गया है। यही है प्रधान जी की यहां की खासियत। गांव के लोग कहते हैं कि प्रधान जी यहाँ के विकास के मामले में सबसे आगे हैं और विकास के बदौलत ही लगातार 3 बार प्रधान रह चुके हैं और 4थी बार प्रधान बनने की तैयारी में हैं। गांव में लगभग आपकी जानकारी में कितना शौचालय दिए होंगे? लगभग लगभग 500 की संख्या में शौचालय गांव में दे चुके हैं और आवास भी दे चुके हैं जी जी। गरीबों को आवास मिलता है यहाँ पे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, क्या गांव में विधवा, वृद्धा और विकलांग जो हैं उनको पेंशन मिलता है? गांव के लोग मतलब खुश हैं ना प्रधान जी? धन्यवाद। कौन सा ग्राम सभा पड़ता है? बड़े गांव। बड़े। ये बताइए कि गांव के प्रधान जी विकास कराए हैं? कितना विकास कराए हैं? बहुत ही। मतलब लगातार 3 बार से प्रधान हैं और आप लोग के वोट के बदौलत ही वो प्रधान होते हैं। तो गांव में विकास कार्य उनका कैसा है? लूट खसोट किए हैं कि काम कराए हैं? बढ़िया, लूट खसोट नहीं कर लेना। आवास वास के जो पात्र बाओ के दिले बण, शौचालय जी की जरूरत बाओ के दिले बण, मतलब प्रधान जी से कोनो दिक्कत परेशानी गांव में केहू के नहीं ना? ना कोनो दिक्कत नहीं। बहुत जना प्रधान लोग अवैध कब्जा कर ललो, प्रधान जी नहीं था ना कैले? नहीं जानता हूँ ना।